Welcome to Time News Studios. You are watching 10 p.m. Bulletin. पंजाब के वे वजीर उस्मान बुज़दार के हटाने वाले गालन में हवा निकली वही। वज़ीर आज़म इमरान खान के बिना खौफ के कम जारी रखने की हिदायत करे छी। वज़ीर आज़म पंजाब के वे वजीर की वाखाण कदे है तो उस्मान बुज़दार सरगरम वो वजीर है मथस मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर आज़म दखण पंजाब सूबे के क़याम लाए वफाक सूबन के मेंबर से बदल कमेटी जोड़ने की हिदायत करे छी। लाहौर में खिताब कदे इमरान खान तो असा पंज साल में 5 लाख घर ठाणा मुल्क के पुठते पियल इलाकन की तरक्की हुकूमत की पहली तरजीह है। माजी में रुगो सियासी मफादन के नजर में रखने रिथाबंदी कई वही। इस्लामाबाद में हॉर्न वजाया हुकुमरान जगाया रैली कढ़ंदड़ व्यापारियों कारोबार खोलने की इजाजत देने लाए 31 जुलाई ताई मोहलत दई छी। ईद का पोए हुकुमरान भजाया तहरीक हलण जो चिता व्यापारी इरफान अजमल बलोच है तो जैसे बसन में 50 मानू सफर कर सकन था तो शादी हॉल्स में 100 मानू छो ना वेही सकन। लॉकडाउन खत्म कर रात 10 वगे ताई कारोबार खोलने की इजाजत दिनी वे होटल स्कूल ब्यूटी पार्लर्स शादी हॉल समेत समूरों कारोबार खोलो वे। कोरोना वबा महंगाई के मारल आवाम लाए एक बो अनोखो तोहफो वफाकी सरकार मुल्क में दवाओं 7 से 10% महंगू करने की मंजूरी दे छी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी तरफा दवाओं महंगू करने लाए पॉलिसी में तरमीम की भी मंजूरी। ड्रेप है तो दवा साज कंपनीज इंपोर्टर्स के बुनियादी दवाओं के अगर में 7% वाद करने की इजाजत मिली है। बेन दवाओं के अगर में 70% इजाफे की भी इजाजत गुजरियल साल व दवाओं के अगर में 5 से 14% वाद की इजाजत दिनी वही हुई। इतने बटालू जो माना 80 रुपया किलो है हर शे महंगाई थी गई है असा जीण खूँ तंग अची गया। हर शे महंगी थी गई है मिर्च तकरीबन 500 रुपये किलो था 800 रुपये किलो थी गई है। दाल वगैरह खंड खंड 70 रुपये किलो हल्दी हाँ 85 किलो यो खीर आ खीर दिसो 100-120 रुपया खीर लग पे बेरोजगारी लॉकडाउन लगो पे धंधा रोजगार आन कान बो महंगाई उरुज लगी पे मानू खुदकुशी कन कन हुकुमरान दिसन ता केड़ो कम कियो न कोई पुछा गचा हो दुकान वाला पाजी मर्जी से रेट लगाइन था तमाम घणी भाजी महंगी थी वई आ परचून जो सौदो महंगो थे बेरोजगारी तमाम वधी वई आ। हुकूमत महंगाई के कंट्रोल करण में नाकाम खीर का पोए अटो ए खंड भी महंगे अटे के 30 किलो अघ में 3 रुपया खंड के अघ में 2.36 रुपया बाद प्राइस कंट्रोल अख्तियारियों खामोश तमाशाई बनल शहर दाहूँ है तो कोरोना वबा दौरान भी नफे खोरन आम वाहपे जो शूं महंगू कर छो नफे खोरन खिलाफ कार्रवाई कई वे। कोरोना की पखेड़ रोकने लाए हाने वधिक एहतियात करनो पवंदो। कराची में NCOC के पहले इजलास दौरान वफाकी वजीर असद उमर है तो कोरोना के पॉजिटिव केसन जानी नुकसान में घटताई आई है तय हूँ भी केसिस में वाद के रोकने लाए ईद उल अज़हा के मौके से एहतियात जारी रखो पवंदो। वफाकी गृह वजीर एजाज शाह इजलास के ब्रीफिंग दींदे तो ईद उल अज़हा के मौके से माल पीड़न ला एहतियाती उपायों कोरोना रोकने वाले मेकेनिज्म से अमल के यकीनी बनाए वो। मुहर्रम उल हराम के हवाले से भी SOPs तैयार क्यों पे वन NCOC में गालाईंदे वे वजीर मुराद अली शाह तो सिंध में कोरोना लाए हॉटस्पॉट करार दिनल इलाक में सिलेक्टिव लॉकडाउन कर पे वे। ईद उल अज़हा से मखसूस कल जायन से ही कुर्बानी जहा जानवर जबह क्या वा घिजन रस्तन से जानवर की कुर्बानी से पाबंदी लगाई वही है।
सिंध पुलिस कराची में दहशतगर्दी जो वो मनसूबो नाकाम बनाए छोड़ो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ए चीनी कौंसलखाने के हमलों में मुलविस बंदिश पियल तंजीम ब्रास जहा छह दहशतगर्द गिरफ्तार। वडेक में जदीद हथियार दस्ती बम ए गोलियों हथ। एसएसपी वेस्ट फिदा हुसैन जावरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान तो गिरफ्तार दहशतगर्द जो वास्तो भारतीय हिमायत वास्ता तंजीम ब्रास से है। ब्रास बीएलए समेत पंज दहशतगर्द तंजीमों से बधल है। गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में वही दहशतगर्दी की रिथाबंदी कर रहा हुआ। बलूचिस्तान में एफसी लेवीज और बियन फोर्सिस से हमलों में मुलविस। हाँ बिजली के बिल में पीटीवी जो माहवार टैक्स 100 रुपया भरण पवन। वफाकी हुकूमत पीटीवी जो माहवार टैक्स 35 रुपये में बधाए 100 रुपया करण की मंजूरी दे छी। शहरों का पीटीवी जो माहवार टैक्स बिजली के बिल जरिए उगाड़ो वो। सिंध हुकूमत पीटीवी फीस बढ़ाने वाले फैसले की मुखालफत कर छी। सूबाई वजीर इस्माइल राहू चाहिए तो पीटीवी की फीस में एक दख से 35 रुपया बाद आवाम दुश्मन फैसलो है। अजोके दौर में केर भी पीटीवी नो ऐसे सिंध जहा शहरी पीटीवी की इजाफी फीस अदा न कह। वर्ल्ड बैंक ने जो है वो 1 अरब रुपए इस सूबे की नालों की सफाई के लिए दिए हैं और बताया गया कि शहर के जो 38 बड़े नाले हैं उनको साफ किया जाएगा, उनको चमकाया जाएगा। सबसे बड़ा जो नाला है वो आपका महमूदाबाद नाला है जो कि इस वक्त बुरी तरह अफेक्टेड है। हालत ये हो गई कल की 1.25 घंटे की बारिश के अंदर, पहले तो कच्ची आबादियां डूब जाया करती थी, अब तो फर्नीचर मार्केट भी कल डूब गई। शारह कायदीन कल की बारिश में पूरा डूबा हुआ था। शारे फैसल कल की बारिश में 1.25 घंटे की बारिश के अंदर डूबा हुआ था। थैंक्स टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सूबे सिंध का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल के अंदर पानी घुटनों तक पानी भरा हुआ था। शाबाश बिलावल जरदारी तुम्हारे। क्या बिलावल ने कल अपने उन सारे मिनिस्टर्स को कॉल किया जिसके अंदर शर्जील मेमन, जिसके अंदर नासिर शाह, जिसके अंदर जाम खान शोरो, जिसके अंदर सईद गनी, ये सारे वो मिनिस्टर्स हैं जो कि 12 साल से इस सूबे के अंदर इस मिनिस्ट्री के काबिज रहे। इनसे पूछा कि मेरा शहर क्यों डूबा हुआ है, क्यों मेरे शहर के साथ ये सलूक किया जा रहा है। मेरे ख्याल से बिलावल का शहर जो है वो दुबई है। बिलावल का शहर ना तो कराची है ना तो लड़काना है। कराची के वड़े नालन में कचरो भरल है। बरसात का शहर में आयल तबाही कदें भी ना दिखी। बिलावल भुट्टो के कराची में नालन की तबाही नजर नी अचे। पीटीआई वर्ल्ड बैंक का कराची में नालन की सफाई ला दिनल 1 अरब रुपये की अदा ऑडिट कराने जो मुतालबो कर छोड़ो। एमपी खुरमशेर जमान चाहिए तो बिलावल भुट्टो और संदस पार्टी कराची की कमाई खाईंदा। बिलावल भुट्टो पैंती हुकूमत इदार पुछो है तो कराची के नालन की सफाई छो ना थी और बरसाती पानी छो बीठल है। लगे तो बिलावल भुट्टो जो शहर कराची लाड़कानो नंबर दुबई है। कराची में नालन की सफाई ला मिलल 1 अरब रुपये में रुगो 25 करोड़ रुपये जो खर्च दिखारल है। जांच कई वे तो बाकी 75 करोड़ रुपया केदा वह। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कराची के नालन ला मिलल पैसा भी करप्शन के नजर थी वन था। सिंध के मुख्तलिफ़ खादन के 58 ऑफिसर के 20 और 21 ग्रेड में तरक्की देने की मंजूरी। वे वजीर की सदारत में सिलेक्शन बोर्ड 1 के इजलास दौरान ऑफिसर के तरक्की देने की मंजूरी दिनी वही। बकावला उनर आबिद जरावी और एक्साइज खाते के डायरेक्टर जनरल शुएब सिद्दीकी के भी 21 ग्रेड में तरक्की मिली। सर्विसिस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन खाते के 7 ऑफिसर, लाइव स्टॉक के 10 ऑफिसर और बेन खातों के ऑफिसर के भी तरक्की देने की मंजूरी दिनी वही। सिंध के मुख्तलिफ शहर में वक्फे से बरसात जारी। नौशरो फिरोज से ठारचा खानवाहन सालेभट इंगोरचा भरपास में तेज हवा से बरसात दौरान कच्चन घर जो छतियों डामी व्यू। दादू जोही पुलजी स्टेशन वाही पांधी मोरो और बेन इलाक में भी वसकारो। सेपको जहा 37 फीडर्स बंद वह। दादू नौशरो फिरोज जिले के लागापल इलाक की बिजली बंद। बरसात बाद रस्तन घिटन में पानी बीजी वजन सबब आवाम मिट्टी अजाम में मुबतला। सिंध के मुख्तलिफ शहर में करंट लगन वाले वाक्य सबब पी और पुट सूदो 5 जणा फौत। उमरकोट के कोली दड़े वाले इलाके में नींगर देवन पक्के में करंट लगन सबब फौत। पुट के बचाने की कोशिश दौरान संदस पी गिरधारी कोली भी फौत हो। वाही पानी भरसा गोड शहर रुंदाणी में आमना रुंदाणी बिजली की तार में बिजली फौत की वही। कोटी भरसा घर की बिजली ठाण दौरान नौजवान मुख्तियार अली करंट लगन सबब दमरी छोड़ो। रखण भरसा बिजली के पोल में करंट लगन सबब गोठानो रफीक खखरानी फौत।
सिंध में 24 कलाकनि दौरान 3,280 मरीज कोरोना के शिकस्त ॾेई सिहतयाब थी विया। सिंध के वॾे वज़ीर मुराद अली शाह नवां अंग अखर जारी कंदे चयो आहे त कोरोना विखे वधीक 22 मरीज फौत थी विया। फौतियुनि जो अंग 1,974 थी वियो। 880 नवां केस रिपोर्ट थियण बाद मुतासिरनि जो अंग 1,12,118 थी वियो। कराची में 267, हैदराबाद में 67, खैरपुर में 42, सांगढ़ में 37, सखर में 31, बेनज़ीराबाद में 28, मीरपुर खास सजावल में 22 नवां केसिस रिपोर्ट। ठरी मीरवा में शागिर्दन सां बदफेरी वाले केस में एक वधिक जवाबदार गिरफ्तार। जांच लाए ठरी मीरवा थाने ते घुरायल जवाबदार इज़हार खास कली के लॉकअप किया वियो। ज़रियन जी दावा है त मुख्य जवाबदार उस्ताद सारंगशर के बयान बाद जवाबदार इज़हार खास कली के गिरफ्तार किया वियो। खैरपुर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत जवाबदार सारंगशर के बिन ॾींहनि जे रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। डॉक्टर की टीम पुलिस की मौजूदगी में जवाबदार सारंगशर जा जुज़ा वठी छॾिया। केस लाइ लेबोरेटरी माणिया वेंदा। मांझन वेझो मुबैना तौर बेदर्दी से कत्ल कल नारी वजीरान छछर की कबर कुशाई वो अदालती फैसलो सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। नारी जे पी गुल मोहम्मद छछर सेशन कोर्ट जामशोर के फैसले खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में सर्किट बेंच हैदराबाद में दरख्वास्त दाखिल करा छी। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया है पुलिस न्याणी जो खून लोहण चाहे थी। लाश बीहर पोस्टमार्टम लाए कबर कुशाई की इजाजत न दियण की सजा। एसएसपी जामशोर की दरख्वास्त अदालत नारी वजीरान छछर के बीहर पोस्टमार्टम लाए कबर कुशाई की इजाजत दिनी हुई। सिंध में धाड़ेल शहरन के अफवाह करण लगा। उबावड़ो भरसा हथियारबंदन पेट्रोल पंप की एजेंसी ते हमलो कयो। धाड़ेल एजेंसी के चौकीदार खैर मोहम्मद शर संदस हेल्पर्स सलीम सोलंगी के अगवा करे विया। अगवा की रिपोर्ट दाखिल थियण बाद उबावलो पुलिस पेरा खड़ी कच्चे ॾांहुं रवानी। पुलिस चयो आहे त धाड़ेल चौकीदार संदस हेल्पर के अगवा करे वो मोटरसाइकल्स में पाण सां गॾु खणी विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ जे वारसनि जो पुलिस खिलाफ़ एहतजाज। गौसपुर भरिसां धाड़ेल मच्छी जे फार्म ते हमिलो करे नौजवान ज़ाहिद मिरानी के अगवा करे विया। हथियारबंदन फार्म जे चौकीदार ज़ाकिर भयो के मरणी करण बाद छॾे ॾिनो। मुख़्तलिफ़ जा वारिस ऐं पुलिस पेरा खणी कच्चे तरफ़ रवाना। गौसपुर में 4 ॾींहनि दौरान अगवा थियलनि जो अंग छती वियो। पुलिस धाड़ेलनि खिलाफ़ कार्रवाई करण बदिरां राजूनी कराइण में रुधल। कढण वेझो ॿ मासूम ॿारणियूं शाख में ॿुॾी फौत थी वियूं। ॿिनि कलाकनि बाद नींगरियुनि जा लाश हथु कया विया। 7 सालनि जी नींगरी सफ़िया ऐं 8 सालनि जी शाहिना जमाली जा लाश घर पहुचण ते कोहराम अची वियो। कराची जे इलाइक़े लांडी 4 नंबर में गाॾी तेज़ रफ़्तारी सबबु थंबे सां टकराइजी वई। मासूम नींगरी समेत ॿ ॼणा फौत थी विया, ॿ ज़ख़्मी। फौतनि में 9 वरनि जी नींगरी हादिया ऐं 55 सालनि जो आरिफ़ शामिल। ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल नियो वियो। ऐं मीरपुर साकरो ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में माकड़ जा कटक पहुची विया। माकड़ भींडी मिर्च झंतर ऐं ॿिया फसल खाई नास करे छॾिया। सामूरी पटी जे आबादगारनि जा मथे ते हथु अची विया। कुंडली तालुके में पको मोड़ दड़ेलो टालर नफ़ीस नगर ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में माकड़ फसल खाई चट करे छॾिया। आबादगारनि ज़राअत खाते खे फौरी तौरु माकड़ मार स्प्रे करण जो मुतालबो कंदे चयो आहे त वबाई हालतुनि में सिंधनि फसल नास थी विया त खेनि माली नुक़सान बर्दाश्त करणो पवंदो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां शाहिद सियाल। हेडलाइंस वञी थियूं, बुलेटिन जी शुरूआति कंदासीं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ। अवां ॾिसंदा रहो टाइम न्यूज़।